बाड़मेर जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत धोरीमना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात धोरीमना थाना क्षेत्र के कबूली गांव में जिला विशेष टीम और धोरीमना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक इनामी तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन व 19 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी दिनेश विश्नोई को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। बाड़मेर जिले में लगातार अवैध हथियारों की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत धोरीमना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार रात धोरीमना थाना क्षेत्र के कबूली गांव में जिला विशेष टीम और धोरीमना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे में 2 पिस्टल और 3 मैगजीन के साथ साथ 19 जिंदा कारतूस बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को इत्तला मिली थी कि कबूली निवासी अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोपी दिनेश विश्नोई अपने गांव में है। इस पर पुलिस की टीम ने दबिश दी तो दिनेश भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर उसकी तलाश ली। इसमें 2 पिस्टल के साथ 3 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस मिले हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर नहीं होने के कारण इसे संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे भी जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। गौरतलब है कि दिनेश विश्नोई के विरुद्ध जालौर और सिरोही में NDPS एक्ट के कई मामले दर्ज है। साथ ही दिनेश सिरोही जिले का इनामी बदनवास भी है। चंद्र राम जी देवासी DST परिवारी की इतला पर दिनेश सनौप जोधाराम विश्नोई निवासी कबूली के घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान दिनेश भागकर स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा तो शक होने पर दिनेश की तलाशी ली तो उसके पास अवैध हथियार और कारतूस मिली। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदे कारतूस मिले। और जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके कागजात बाप ने पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया और गाड़ी बिना नंबर की होने से इसकी जब्त की गई। दिनेश अवैध हथियारों का कारोबार करता है जो सिरोही का मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी है। जालौर जिले में भी इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। जिला विशेष टीम के प्रभारी हरचंद राम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला जालौर और सिरोही के NDPS एक्ट के विभिन्न मामलों में कई वर्षों से वंचित चल रहा आरोपी दिनेश कुमार पुत्र जोधाराम विश्नोई निवासी कबूली अपने पास अवैध हथियार रखता है। उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी व रहवासी ढाणी की तलाश लेने पर भारी मात्रा में हथियारों से संबंधित सामग्री मिल सकती है, जिस पर टीम प्रभारी हरचंद राम में जिला विशेष टीम बाड़मेर से रवाना होकर धोरीमना पहुंचे। पुलिस थाना धोरीमना की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी दिनेश कुमार की रहवासी ढाणी पर दबिश देकर ढाणी और ढाणी के आसपास खड़ी स्कॉर्पियो S11 गाड़ी की तलाशी लेकर 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस जब्त करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक हरचंद राम के साथ धोरीमना थाना अधिकारी शुक्राम विश्नोई, हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार कमांडो, कांस्टेबल कानाराम, रमेश कुमार, कांस्टेबल गोपाल, पूनम चंद, स्वरूप सिंह विशेष टीम में शामिल रहे।